बंधु नमस्कार। मैं आज आपको डाइकाट और मोनोकाट के लीफ के कुछ बेसिक्स और कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस को यहाँ पे हम आपको साझा करेंगे। तो चूंकि एनसीईआरटी में आपने दो टर्म पढ़ा है या पढ़ेंगे, एक है डार्सो वेंट्रल और एक है आइसो बाइलेट्रल। दो प्रकार के लीफ का वर्णन होता है, जिक्र होता है, एक आइसो बाइलेट्रल और दूसरा डार्सी वेंट्रल या डार्सल और वेंट्रल सरफेस। तो यहाँ पे जो लीफ है, ये हमारे पास सामने एक लीफ है जिसको बेसिकली हम कुकुरबिट्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो लीफ है, इसका एक अपर सरफेस है जो कि सीधा सन के संपर्क में है, सूर्य के संपर्क में है, इसको हम डार्सल सरफेस कहते हैं। और इसका जो अपोजिट सरफेस है उसको वेंट्रल सरफेस, यानी कि ये नीचे वाला जो सरफेस है इसको वेंट्रल सरफेस हम कहते हैं। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सूर्य के संपर्क में है, जो प्रकाश के संपर्क में, लाइट के संपर्क में है, उसको डार्सल सरफेस, और जो इसका अपोजिट यानी कि पृथ्वी के संपर्क में है, नीचे वाला सरफेस है, इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा, डाइकाट में बेसिकली ये होता है क्या, डार्सी और वेंट्रल। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये भी एक आग का पौधा है जिसको कैलोट्रापस हम कहते हैं। इसमें भी ये सरफेस जो है आपका ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम डार्सल, और इसके अपोजिट सरफेस जो है इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो ये डार्सी वेंट्रल की स्थिति आई किसमें, डाइकाट में। अब हम मोनोकाट की तरफ चलते हैं। मोनोकाट के भी पौधे यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं इस साइड में, अगर हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका पौधा है, ये साइप्रस का प्लांट है, साइप्रस से मोथा इसको कहते हैं। और इसमें इसकी पत्तियाँ देखें तो इसकी पत्तियाँ यहाँ से निकली हैं और निकलने के बाद में सीधी जा रही हैं। तो सीधी जा रही हैं, इसमें कोई हम डार्सल और वेंट्रल टाइप का नहीं बता सकते हैं। जैसे सीधा तलवार होता है उस तरीके से ये सीधी निकली हुई है, देखो। तो इसमें हम डार्सल वेंट्रल ना होकर के इसको कहते हैं आइसो बाइलेट्रल, यानी दोनों साइड जो है इसका लगभग सेम होता है, और दोनों साइड सेम होता है इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइकाट में। मोनोकाट में जो स्टोमेटा का अरेंजमेंट है वो क्या है, आइसो बाइलेट्रल, यानी कि दोनों सरफेस पर लगभग समान ही क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोकाट की ये है, मोथा का है ये, आपका और भी ग्रासेस हैं जो यहाँ पे लगे हैं इस प्रकार से, जो अरेंजमेंट है, यानी पत्तियाँ में डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बगल में पौधा लगा है, इसका ये सरफेस क्या है, सीधा डार्सल, और इसका अपोजिट क्या है, वेंट्रल, जबकि यहाँ पर हम कोई डार्सल वेंट्रल नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आपका आइसो बाइलेट्रल। तो ये मोनोकाट का पौधा है ये, जबकि ये क्या है, डाइकाट का पौधा है। ये वाला किसका है, डाइकाट का पौधा है। इधर हमने ये दिखाया डाइकाट का पौधा है। तो डाइकाट में डार्सल और वेंट्रल सरफेस क्लियर होता है, जबकि मोनोकाट में हम ऐसा नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या, आइसो बाइलेट्रल। और डाइकाट में स्टोमेटा जो होगा यहाँ पे इस पर नहीं होगा, ज़्यादा क्या होगा, वेंट्रल सरफेस पे होगा, और इस पर कम होंगे। क्यों होंगे, इसका रीज़न यह है कि इसमें जो है डायरेक्ट सन के संपर्क में है ये सरफेस, और यहाँ पे क्या है, वाटर लॉस ज़्यादा होने की चांसेस हैं, इसलिए जो स्टोमेटा का नंबर है वो मोर नंबर जो है, ज़्यादा नंबर जो है वो वेंट्रल सरफेस पे हम देखने को मिलता है, जबकि अपर सरफेस पे यानी डार्सल सरफेस कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे किसमें, मोनोकाट में दोनों तरफ हमको बराबर देखने को मिलते हैं। तो ये आइसो बाइलेट्रल की बात करते हैं। तो वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।